इस 2024 में तुम जितना ज़्यादा अपने आप को नकारा और कमज़ोर समझोगे, ये साल भी तुम्हें उतना ही ज़्यादा नकारा और कमज़ोर दिखाएगा, क्योंकि एवरी डे इज़ जस्ट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। अब तुम्हें इस वीडियो में ये पता चलने वाला है कि तुम एक एक्चुअल मैन कब और कैसे बनते हो, और तुम्हें एक एक्चुअल मैन बनने की ज़रूरत क्यों है, और इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। इस सवाल का पूरा जवाब इस पूरे वीडियो में एक एक करके तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो सिर्फ मुझे ही पता है कि तुम क्या मिस करने वाले हो। तो चलो एक एक करके इस कॉमन सी चीज को एक्सपोज करते हैं, जिसके बारे में सब जानते तो हैं, पर ना ही तुम्हें कोई बताता है और ना ही तुम खुद इस चीज पर कभी ध्यान देते हो। रेस्पेक्ट वोमेन बट डोंट अट्रैक्ट। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि हमें हर उस इंसान या जीव जंतु या हर उस निर्जीव चीज की इज्जत करना ये सिखाता ही है। साथ ही साथ हमें वोमेन्स की रिस्पेक्ट और उनकी सुरक्षा करना सबसे पहले सिखाता है। और अगर तुम एक एक्चुअल मैन बनना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर, निश्चल फीलिंग के साथ, निष्काम भाव से, निष्कर्म भाव से, ना कि उनसे अट्रैक्ट होके। और जब तुम ऐसा करते हो और बार बार करते हो, तो तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा माइंडसेट इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि तुम्हारा दिमाग फिर तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि तुम अपने दिमाग और अपने शरीर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हो, जिससे तुम एक टफ पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाते हो। लेकिन सिर्फ ये जानकर तुम एक एक्चुअल मैन बनने की चक्कर में टफ पर्सनैलिटी बन जाओ और तुम किसी की एक्चुअल प्रॉब्लम फील ही ना कर पाओ, इसलिए तुम्हें इस दूसरे एक्शन पर भी ध्यान देना होगा, जो कि है बी इमोशनल बट डोंट शो अदर्स। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग एंड बींग ह्यूमन। डजंट मैटर कि तुम्हारे अंदर कितना परसेंट ईगो है और तुम कितने ज्यादा अमीर हो, तुम एक एक्चुअल मैन तभी बन पाओगे जब तुम्हारे अंदर प्रेजेंट इमोशंस को तुम सही जगह इस्तेमाल करोगे। लेकिन हाँ, बिना किसी को महसूस कराए कि तुम एक इमोशनल इंसान हो। अब क्योंकि हम इंसान हैं और हम इमोशनल भी हैं, जिसकी वजह से हमें खुशी भी महसूस होती है, हम दुख भी महसूस करते हैं, और हम किसी ना किसी चीज या इंसान को लेकर डिप्रेस भी होते हैं। तो इसलिए जस्ट फील डिप्रेशन बट डोंट डिस्ट्रॉय यू एनी हाउ। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, फील डिप्रेशन? क्योंकि देखो, जब तुम किसी भी चीज या इंसान को लेकर डिप्रेशन फील करते हो, तो वो इस हद तक तुम्हारे ब्रेन पर असर डालता है जिससे तुम्हारा दिमाग उस चीज को कभी भूल ही नहीं पाता, जिस चीज या इंसान से हमारे ब्रेन को डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। और फिर हमारा दिमाग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है फिर से किसी भी इस तरह की कंडीशन का सामना करने के लिए, और ये जितना ज्यादा बार बार होगा, तुम उतने ही बिल्ड होते चले जाओगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है कि अगर तुम्हारा माइंडसेट डेवलप नहीं है तो ये तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इसलिए तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ, इस हद तक डिप्रेशन को लेकर मत जाओ, जिसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी अगेन एक सही पॉजिटिव माइंडसेट की। तो इसलिए हम बढ़ते हैं अगले एक्शन की तरफ, क्योंकि डिप्रेशन को बीट करने के लिए एकमात्र तरीका है मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल बट दूसरों को महसूस मत होने दो। अब ये होगा कैसे, तुम सक्सेसफुल कैसे होगे, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, तुम अपनी सक्सेस को दूसरों को महसूस कैसे नहीं होने दोगे। अब यहाँ से आता है तुम्हारी जिंदगी का एक्चुअल मोटिव, असली मकसद जिसे कहते हैं। मेरी बात का तुम बुरा मानो या भला मानो, लेकिन तुम एमलेस हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हें बनना क्या है। तो कोशिश करो कि तुम अपने इंटरेस्ट और समझ के मुताबिक एक करियर ढूंढ पाओ, बिकॉज वी बिलीव इन एन एमलेस गाय इज अ होपलेस गाय एंड अ होपलेस गाय इज अ यूजलेस गाय, रिमेम्बर। तो एक एक्चुअल मैन, जिसे हम एक्चुअल मैन कह सकते हैं, जो कि अपने आप को लिटिल प्राउड और फुल कॉन्फिडेंट दिखाए, और एक एक्चुअल मैन जो कि फुल कॉन्फिडेंट में है, जिसका सिर्फ एकमात्र मतलब यही निकलता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और एक सेल्फ डिपेंडेंट मैन को ही हम एक्चुअल मैन कह सकते हैं, अगर वो हमारी बाकी के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है। लेकिन अब तुम इस क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करोगे, तो उसके लिए मेक मनी बट डोंट स्कैम। आखिर इसका तुम्हारे एक्चुअल मैन बनने से क्या लेना देना है। देखो, जब तुम सक्सेसफुल होते हो और तुम सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए अर्न करते हो, डजंट मैटर कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, और तुम अर्न करने के लिए इनकम सोर्स का इस्तेमाल करते हो, तुम्हें एक लेजिट सोर्स ऑफ इनकम बनाना होगा, जिससे तुम ना ही अभी और ना ही फ्यूचर में किसी भी तरीके के इल्लीगल प्रॉब्लम का सामना करो। और अगर ऐसा होता है तो इससे डायरेक्टली तुम्हारे मेन पर्सनैलिटी पर असर पड़ने वाला है, जिससे तुम्हारी सालों की इज्जत एक सेकंड में उड़ा हो जाएगी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और तुम्हारी ईमानदारी की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये अगली चीज तुम्हें एक एक्चुअल मैन बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगी।
बिल्ड एटीट्यूड बट डोंट ईगो। यही वो एक्शन है जो तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी को शर्मिंदा का सामना करने पर मजबूर कर देगी। एटीट्यूड बिल्डिंग तक तो ठीक है, लेकिन बिल्ड एन ईगो इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। तुम भले ही पूरे एटीट्यूड में रहो, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तुम्हारे अंदर ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुम्हें पता ही है कि ईगो इंसान का बिना कुछ करे इंसानों का बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, जिसका एग्जाम्पल तुम अपने आसपास देख ही सकते हो। और एक एक्चुअल मैन बनने के लिए बताए गए बाकी के एक्शन को तुम तभी फॉलो कर पाओगे जब तुम ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्शन को फॉलो करोगे, और वो है बी ब्रह्मचारी बट डोंट शो फेक। इस एक्शन को अगर फॉलो करोगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अब यहाँ मिलता है कि क्यों तुम्हें एक्चुअल मैन बनने की जरूरत है और एक एक्चुअल मैन बनने से तुम्हें क्या फायदा होगा। एक इंसान एक किंग पर्सनैलिटी तब बनता है जब उसकी मानसिकता के साथ साथ उसका शरीर भी पवित्र हो, और इसका फायदा ये होता है कि उसे किसी के भी सामने किसी भी गलती की वजह से चूकना नहीं पड़ता। और क्योंकि उसे किसी के भी सामने किसी भी गलती की वजह से झुकना नहीं पड़ता, वो एक एक्चुअल मैन कहलाने का हकदार होता है। और क्योंकि तुम्हारी मानसिकता के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी पवित्र होता है, तो तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह के गलत काम करने के ख्याल नहीं आते, और तुम धीरे धीरे इमोशनली, लॉजिकली, फिजिकली एंड मेंटली इंटेलिजेंट होते रहते हो, जिसकी वजह से तुम अपने काम को बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। अब इसकी वजह से तुम्हारी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है जिससे तुम अपनी लाइफ में बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, और लोग तुम्हें एक्चुअल मैन के नाम से जानने लगते हैं। लेकिन तुम्हें आज के समय में ये 5 स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, जो किसी भी टेक्निकल स्किल्स को बीट करने के लिए आज भी बहुत सक्षम है। और ये 5 स्किल्स के बारे में जानना है तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करो और अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। चलता हूँ, जय हिंद।